गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस रचली ब्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई है और आज ये ब्लॉग है रामनवमी का। तो सबसे पहले सॉरी कि लेट में ये ब्लॉग जा रहा है, क्योंकि रामनवमी के बाद ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा और इस वजह से मैं इस वीडियो की एडिट जो है ना कर ही नहीं पाई और इस वजह से ये थोड़ा लेट जा रहा है। तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। और सबसे पहले आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियोस को बहुत ढेर सारे लोग देखें, क्योंकि बहुत सारी मेहनत है मेरी हर वीडियोस पे और प्यार बहुत कम हो रहा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ढेर सारा प्यार मुझे भी मिले और मैं भी एक मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचा पाऊँ। तो रामनवमी का दिन है तो मैं आज सुबह नहा सारे काम करके नहा धो के मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज के दिन की शुरुआत जो है ना मैं किचन से ही करने वाली हूँ और मैं बनाने वाली हूँ माता रानी के लिए प्रसाद। तो सबसे पहले आज उनका भोग बनाएंगे, अभी मैंने पूजा नहीं की है। तो भोग की शुरुआत सूजी के हलवे से कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमेशा रामनवमी में ना यही भोग बनता है, हलवा पूरी चना, मोस्टली लोगों के यहाँ ऐसा ही बनता होगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही बनता है, आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है ये ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बना सकते हैं लेकिन ये चीज़ जो है ना हलवा पूरी चना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सूजी को अच्छे से देख लिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना कि कुछ कीड़े रह जाते हैं। तो अभी मैंने ये एकदम फ्रेश सूजी लाई थी, इसलिए मैंने चाला नहीं है, ऐसे देख लिया तो एकदम साफ़ थी, कोई गंदगी नहीं थी इसमें। तो अब मैं इसको थोड़ा चढ़ा दिया है मैंने, अब इसको धीमे आंच में धीरे धीरे इसको मैं भूनूंगी जब तक कि हल्का सा ब्राउन नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा जो हलवा होता है ना थोड़ा काला काला सा बनता है या बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वाइट वाइट थोड़ा ढीला हलवा बनाओ ना, वो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और अच्छा भी लगता है। तो इधर मैंने कुछ इलायची जो थी वो भी इसमें डाल दी है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नारियल। तो नारियल के लच्छे मेरे पास रखे हुए थे तो वही मैं डाल रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई फ्रूट रहता है तो हलवा का टेस्ट मुझे समझ ही नहीं आता और मुझे पर्सनली थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से भी मैं डालती नहीं हूँ। तो इधर मैंने अपनी सूजी को इसमें इलायची पाउडर बना के और गरी के लच्छे मैंने डाल लिए हैं और आज मैं एकदम अकेली हूँ। वैसे तो हर साल जो है ना वो मेरी दीदी आ जाती थी तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, दीदी नहीं आ पा रही है और इस वजह से मुझे सारी चीज़ों को अकेले ही मैनेज करना है। तो मैंने सोचा है कि किसी भी तरीके से थोड़ा जल्दी जल्दी करके कर लेंगे, क्योंकि घर के बगल में चला है भंडारा तो ऑलरेडी बहुत साउंड वाउंड बज रहा था इस वजह से मैंने ना मतलब सोचा कि जल्दी जल्दी करके सारी चीज़ों को जल्दी से निपटारा भी कर देंगे, क्योंकि एक टाइम के अंदर ही ये सारे काम हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है और पूजा पाठ जो होती है वो तो टाइम से हो जाए तो वही अच्छा लगता है। तो इधर मैंने हलवा और चना मैंने बना लिया है और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो मैं पहले छोटी छोटी पूरी 11 जोड़ी बना लेती हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए और फिर कन्या भोजन के लिए जितनी पूरियाँ बननी रहती है फिर मैं उसको बनाती हूँ। तो इधर मेरी हलवा पूरी चना बन के तैयार हो चुका है और फिर उसके बाद मैं अब आ गई हूँ पूजा करने। तो आज देखो रामनवमी में ना माता का श्रृंगार करके ही पूजा की जाती है, तो मैंने माता रानी को आलता लगा दिया है और अब जो मेहंदी रखी है ना वो भी ऐसे फ़ोटो में थोड़ा सा लगा दूँगी जिससे कि माता का श्रृंगार हो जाए। बस इसी वजह से कहा जाता है कि नवरात्रि में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, बालों में रंग कलर वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब माता के श्रृंगार होते हैं, ऐसा हम लोग ने बचपन से सुना है इसलिए हम लोगों को ये लगता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी समय मतलब कि प्रॉब्लम्स रहती है ना कि जिसके वजह से लगाना पड़ता है। आपकी बार मेरे साथ वैसा ही हुआ, इंगेजमेंट पड़ गई थी तो इस वजह से मैंने लगा लिया, नहीं तो मैं नहीं लगाती। मैं इन सब चीज़ों को फिर नवरात्रि के टाइम पे अवॉइड ही करती हूँ। तो इधर मैंने उनका श्रृंगार कर दिया है और
और भी मैंने सिंगार का सामान लाया था वो उनके सामने रख दिया, क्योंकि फ़ोटोज़ में हर चीज़ तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने रख दिया है। और वो मैं जो भी सिंगार का सामान है वो मैं अपनी मालिन जो आती हैं उनको दे दूँगी दान में। और अब मैं इधर रख कर रही हूँ पूजा, और अभी तक मेरी कन्या नहीं आई थी। और जब मैंने आरती करना शुरू की ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था कि अचानक से सारी कन्या आ गई और साथ में आरती करने लगी। मतलब कि इतनी तालियां, इतना वो कि मुझे जो बाहर इतना जोर जोर से साउंड बज रहा था ना वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, इनकी तालियों की गूंज में ही मैं एकदम खो गई थी। और मुझे मतलब दिल से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इधर देखो मेरे घर में चार चांद लगे, मेरी सारी कन्या भैरव बाबा सभी लोग आ चुके हैं। और मेरे साथ मुझे पता भी नहीं था कि पीछे कौन कौन आरती करा रहा है। और इतना अच्छा मोमेंट था, इतना अच्छा मोमेंट था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्योंकि कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि पूरी कन्या आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि कुछ मतलब आज के दिन ये लोग भी बहुत व्यस्त होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं गई नहीं थी। लेकिन अचानक से ही मैं जब पूजा करके पीछे घूमी ना, तो ये देखो सारी कन्या आ चुकी थी। अब मेरा भाव क्या है ये देखो, क्या अभी और पूजा बाकी है। दीदी आज की आरती सबसे अच्छी हो गई, देखो नौ देवी आ गई मेरे घर में। अब गिन तो देखनी पड़ेगा, गाइस जब मैंने फिर पूजा वूजा कर लिया तो मैंने अपने ही रूम में मैं लेके आ गई हूँ अपनी सारी कन्या को और भैरव बाबा को। और अब मैं उनका जो पैर धुलने वाली रस्म होती है ना वो भी मैंने कर ली है, और अब मैं सारे कन्या के पैरों में रंग लगा रही हूँ। और मतलब ऑलमोस्ट सभी के रंग लगा रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ये ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें मैं ना अपनी मम्मी की देख के आई हूँ, और उन्हीं का देखा देखे सब चीज़ें करती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें करना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर जितनी कन्या भैरव बाबा है उनका एंटरटेनमेंट करते करते, मतलब हंसी मजाक करते करते, जिससे कि बच्चे बोर ना हो और उनको मतलब कि अच्छा लगे। और आपको बताऊँ ये सारे बच्चे जो है ना ये मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो इधर मैंने आलता लगा दिया है, और ये अब माता रानी की चुन्नी जो है ये मैं पहना दूंगी सबको। तो मैंने पहले कह दिया था जिनको हाथ में पहनना हो वो हाथ में पहन लेना, और जिनको सर पे बांधवाना हो वो बता देना, मैं उनके सर पे बांधूंगी। तो कुछ बच्चे जो थे वो हाथ में बांधने के लिए कंफर्टेबल थे, तो मैंने उनके हाथ में बांध दिया। और सच में ऐसा लग रहा था कि सच में भगवान जी ही पूरे घर में आ गए। इतना अच्छा एटमोसफियर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था सच में क्या ही हो रहा है। और देखो बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं, और सब कोई मेरे व्लॉग में रहते हैं ना, सब कोई मेरा व्लॉग देखते हैं बच्चे, तो इसलिए सब कोई कैमरे के सामने आ रहे हैं। और इधर देखो मम्मी आ गई हैं अब मेरे हेल्प के लिए। अब कन्या भोजन शुरू हो गया है, और अब मैं कन्या खिलना मतलब मैंने सारी प्लेटें लगा दी हैं, और अभी मैं कर रही हूँ कन्या। अब सब कोई कन्या खा लेंगी उसके बाद, और जो भी सारे गिफ्ट है थे ना, फैमिली कन्या चली गई हैं। और मैंने सारा काम भी अभी फिर से किया, क्योंकि धूल इतनी चल रही है, बहुत ज़्यादा धूल चल रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही, धूल पूरा घर फिर से गंदा हो गया। मैंने मरमर के साफ किया था सुबह, और आज बहुत सारी चीज़ें मतलब टाइमली से मैंने कर लिया था, आज अपने से मैं उठ भी गई थी, तो सारा काम बहुत टाइमली हो गया। और बहुत अच्छा लगा, बताया आपको जब मैं आरती कर रही थी ना तब तक कन्या आ गई। अब की बार मैंने क्या किया था कि पहले मैंने कन्या भोग जो होता है वो बना लिया था, उसके बाद मैंने पूजा की, क्योंकि जब तक भोग नहीं तैयार होता तो पूजा इनकम्प्लीट रहती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भोग पहले बना लेते हैं फिर पूजा करते हैं।
तो फिर तब तक क्या हुआ कि कन्या को बुलाना था, तो पहले तो अजीत ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, वो लोग कहीं गए हैं कहने के लिए, लेकिन फिर भी मतलब फिर थोड़ी देर में ही वो लोग आ गई। जब तक मुझे आरती करना हुआ तब तक वो आ गई। अरे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि बगल वाले में भंडारा है, तो बगल के घर में, तो वहाँ पर साउंड बहुत तेज़ बज रहा था, और उसकी वजह से जब आरती गा रहे थे ना तो मतलब कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे कि कोई लाइन मतलब मिस हो जाएगी और मतलब समझ नहीं आ रहा है। और फिर जब मैं गाना शुरू की ना, एक लाइन मैंने गाया, फिर दूसरी लाइन में वो सारी कन्या लोग गाना गाने लगी, मतलब आरती करने लगी, तालियां बजाने लगी, तो वो इतना भयानक साउंड मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। सच बताओ कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे परमात्मा से एकदम आपका कनेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। जिस भाव से मैं करती हूँ ना, मेरा ईश्वर जानता है कि मैं किस तरीके से करती हूँ, और मेरे ऊपर कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि करना ही है, मैं अपने मन से करती हूँ। तो ऐसा भगवान से कनेक्शन हो जाता है ना। अभी दो दिन बीच में मेरा पीरियड्स होने लगा था तो मैं नहीं कर पाई थी पूजा, मेरा अभी यही थोड़ा गड़बड़ चल रहा है पीरियड्स में, तो मैं उसमें पूजा नहीं कर पाई थी, तो मेरा मुझे बहुत अटपटा लग रहा था, लेकिन फिर मतलब मेरा साफ़ हुआ तो मैं आज मुझे पूजा करने को मिल गई, और आज मैंने पूजा किया। सच बताओ पूजा करने में, कन्या भोज कराने में मुझे इतना अच्छा लगता है ना, नहीं तो ऐसा होता था कि एक दो बार मैंने ऐसा किया कि मैं बहुत थक जाती हूँ और अकेले इतना नहीं कर पाती, तो ऐसा हुआ भी है एक दो बार कि मैंने बाहर भी कन्या खिलाया है, बट घर पर खिलाने की बात ही कुछ और रहती है। ऐसा लगता है नौ देवियाँ ना घर आ गई हैं, तो मतलब ऐसी पॉजिटिविटी के लिए मैं ये सारी चीज़ों को करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। हाँ दे रहा, तो इधर रिद्धि भी कन्या ने खा ली, बढ़िया सब कोई खा ली है। अभी बस वंश को मैंने दीदी का प्रसाद लेके भेजा है, तो बस अब ये देखो मैं अब लेके आई हूँ, 3 बज रहा है और मैं अब लेके आई हूँ अपना चाय नाश्ता। मतलब सुबह से कल से मेरा उपवास है और अभी तक अभी मैंने कुछ खाया नहीं, बस अब मैं जा रही हूँ खाने, खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, इधर मैंने कन्या वन्या खिला दिया है और सब कोई विदाई हो गई है, और अभी शाम का टाइम है, अब मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने। तो आज पूरे दिन ना यही सब चलता रहा है, बगल में भंडारा भी था, उसमें भी कुछ देर लोग मतलब कि उसमें भी शामिल होना था क्योंकि घर के लोगों का ही भंडारा था। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मैं घर पे इतनी पूजा पाठ कर करके ना थोड़ा सा थक गई थी, इस वजह से मैं तो नहीं गई थी। पापा गए थे, पापा ही जाते हैं मोस्टली टाइम, तो फिर मुझे लगा कि नहीं बनाना पड़ेगा कि भंडारे से भी कुछ कुछ आ जाता है तो नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन ऐसा अब की बार कुछ आया नहीं था। तो इधर मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मम्मी और सभी लोगों को बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत प्रेम से खा लेते हैं, तो इधर बस वही मैं बना रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी चावल, और रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो पूड़ियाँ बनाई थी ना वो सारी अभी दिन की रखी हुई है, तो पूड़ियाँ मैं नहीं बनाऊंगी। तो फटाफट मैं चलती हूँ खाना बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
पूरा फैमिली इधर खाना वाना बन गया और मैं इधर अभी खीरा काटते काटते ना मुझे लालच आ गई और मैं खीरा खाने लगी। मैं इसी तरीके से ना खीरा वाला देख के मेरा मूड थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो इधर मैंने खीरा खाया और फिर जब मैं आई रूम में तो कल बच्चों, आज तो बच्चों की छुट्टी थी बट कल जो है ना कल से फिर स्कूल है, तो बच्चों के स्कूल के ड्रेस में प्रेस नहीं था तो मैं उसके बाद इन लोगों के ड्रेस में प्रेस करने लगी। तो दिन भर का रूटीन इसी तरीके से मेरा रहता है, दिन भर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और कुछ करने का, बस इन्हीं सब चीज़ों में पूरा पूरा समय निकल जाता है। आप लोगों की रामनवमी कैसे भी थी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग ने क्या क्या किया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो आगे देखते कि मैं क्या करने वाली हूँ। सफर में सारा काम वाम हो गया है और अब बस बच्चे चले गए हैं बाबा के साथ घूमने और टाइम बताए 10:15 का हो रहा है। इस समय मैं भेजती नहीं हूँ लेकिन अब क्या होता है ना कि बहुत कम जाते हैं वो लोग, तो इसलिए वो लोग निकल गए तो मना नहीं किया गया है, नहीं तो 10 बजे के बाद तो बस खाना पीना होता है मेरे यहाँ, सोना होता है। 10:30 बजे तक बच्चों को सुला देती क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग में उठना रहता है। और अजीत अपना एज यूजुअल मोबाइल चला रहे हैं, अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं। कैसे हो? इनको अपने दोस्त की बहुत याद आ रही है, वरना अजीत कभी भी तो इसे डाल लो जो सब लोग देख लेंगे। अरे तो क्या हो, दोस्त की दोस्त को याद करना क्या बुरा बात है क्या? मैं ना अजीत इस समय घर पे होते नहीं है। आज रामनवमी है, हम लोग अभी रामनवमी मनाएंगे। हमारा कूलर देखो यहाँ से सो, हम लोग मेरे रूम का शो खराब हो जाता है यहाँ से, वरना यहाँ तक देखो ऐसे देखो तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी चेंज होने वाला है गाइस, सरप्राइज मिलेगा। मेरा ऐसा ही होता है, जो चीज़ मुंह से निकल जाती है वो चीज़ पूरी हो जाती है। अजीत ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस अब ये चेंज मिलेगा कह दिया तो बस अब चेंज मिलेगा। तो बच्चे भी आ चुके हैं, बस चलते हैं बच्चों को खिलाते पिलाते हैं और सोते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट। आ गए ये लो, क्या लाए? चिज्जी अभी खा लो। चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।